दोस्तों फैजाबाद में हूँ और आज आपको लेयर पोल्ट्री फार्म दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, ये लेयर पोल्ट्री फार्म है। ये फार्म 10,000 बर्ड्स वाला है और इसके बारे में जानेंगे कि 10,000 जो बर्ड का लेयर पोल्ट्री फार्म होता है, इसको चलाने में किस तरह से खर्चा आता है और जब चूजे होते हैं उनको किस तरह से उनकी देख रेख होती है, कितने दिनों तक उनकी देख रेख की जाती है और कितने दिन में जो है मुर्गियाँ जो है अंडे देती हैं, कितने दिन उनको रखना पड़ता है, उसमें फीड का कितना खर्चा आता है और दवाओं पर कितना खर्चा होता है और एक इस तरह से लेयर पोल्ट्री फार्म बनवाने में कितना खर्चा होता है। बहुत ही अच्छे फार्मर से मेरी मुलाकात हो रही है। इस पोल्ट्री फार्म के जो आनर हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा इस फार्म के बारे में। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका एड्रेस भी जानेंगे कि कहाँ पर जो है ये फार्म है और कोशिश करेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए ताकि आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं इस फार्म के, इस लेयर फार्म के ऑनर से, उन्हीं से जानेंगे इस फार्म के बारे में। सर सबसे पहले अपना नाम बता दें और इसका जो एड्रेस है उसको भी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है और ये फार्म चिर्रा मोहम्मदपुर फैजाबाद में पड़ता है। अच्छा, फैजाबाद में जी। और इस फार्म के ऑनर कौन है सर? जी, इस फार्म के ऑनर ये हमारे साथ रुबेल अहमद खान बैठे हुए हैं। सर कब से ये फार्म चला रहे हैं? ये सर हम लोगों को हो गया लगभग तीन साल हो गया। ये जो फार्म है तीन साल पुराना। सर किस तरह से इस फार्म को चलाने से पहले कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया? हम लोगों ने ट्रेनिंग पहले तो यूट्यूब पे भी देखा जी। सारी वीडियोस जी। फिर और अगल बगल जा कर के जानकारी ली जी। फिर कई फार्म पे हम लोग गए, वहाँ पर भी देखा कैसे। अच्छा, फार्म पे विजिट करके वहाँ पे आपने देखा किस तरह से जो है फार्म चला रहे जी, उनसे भी जानकारी ली, फिर अपना बजट भी देखा जी। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी करके स्टार्ट किया। पहले 5,000 से हमने स्टार्ट किया था जी। उसके बाद में हमको अच्छा रिस्पांस मिला तो हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अभी इस फार्म में सर, इस लेयर फार्म में कितने बर्ड्स हैं? इसमें इस टाइम पे हमारे पास 10,000 बर्ड हैं। 10,000 जी, 10,000 बर्ड। और जो अंडे निकल रहे हैं उनके प्रोडक्शन है वही 80% है प्रोडक्शन। 80% जी। अच्छा सर, जो ये मुर्गियाँ होती हैं, जो ये चिक्स होते हैं और जो ब्रॉयलर चिक्स होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? ब्रॉयलर चिक्स ये जो होते हैं इनकी ब्रीडिंग ही अलग होती है जी। और ये जो लेयर चिक्स हैं इनकी ब्रीडिंग जो अलग होती है। अच्छा तो जी जी, ये वो तो सिर्फ इसके लिए होते हैं कि बस उसके मांस के लिए, उनकी जो वो होती है 30 से 40 दिन में वो 1 किलो हो जाते हैं, 1.5 किलो हो जाते हैं। और इनको तो 6 महीना पालना पड़ता है, 6 महीने इनकी तैयारी होती है जब ये जाके अंडे देते हैं। अच्छा, 6 महीने इनको पालना पड़ता है जी। सर पालने के लिए जो इनका फार्म होता है वो यहीं पर होता है या अलग होता है? नहीं, उसका फार्म, उसका केज भी अलग बना होता है जी। वो ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर होता है जी, उसका अलग ही बना होता है केज। उसमें पहले तो हम लोग 10 से 12 चिक्स को रखते हैं जी। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनको धीरे धीरे अलग करते जाते हैं, लास्ट में वो भी 5-4-5 आ जाती है एक केज में जी। अच्छा सर, जब ये जो चिक्स होते हैं 6 महीने में तैयार करते हैं तो 6 महीने उसी फार्म में रहना पड़ता है क्या? नहीं, उस पहले तो हम लोग उसको मतलब इतना रखते हैं कि वो नीचे से निकल ना पाए केज के जी। तो 4 महीने तक जी उसी में रखते हैं। 3 या 4 महीने? हाँ, 3 या 4 महीने तक उसमें रखे, उसके बाद इस पे लाके उसके बाद यहाँ पर आप रख देते हैं इस केज में
अच्छा, कुछ लोग इसको जमीन पे भी पाल सकते हैं, जो कि इनके पास केज नहीं है चिक्स का पालने का, तो केज जमीन पे भी पाल सकते हैं। तो कुछ लोग जिनके पास केज नहीं है जमीन पे ही पाल लेते हैं, जिस तरह से ब्रॉयलर की वो होती है तैयारी करते हैं उसी तरह ही इसकी तैयारी कर लेते हैं। 3 महीने के बाद फिर इसको आके यहाँ केज में डाला जाता है। इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनके यहाँ जो नीचे से है जगह जो है दिख रही है आपको, तो यहाँ से निकल ना पाए बच्चे, और लमसम वही 3 महीने के आसपास इनका वो हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे बर्ड्स इतने बड़े हो जाएं ताकि केज से बाहर ना निकल पाए। जी जी जी। सर, जब ये 6 महीने बाद अंडे देना स्टार्ट करती हैं, यहाँ पे आप लाते हैं, तो उस समय अंडे का साइज क्या रहता है? जो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में इसी साइज के अंडे तभी होते हैं क्या? उस साइज जो शुरू में जो इनका अंडा रहता है वो छोटा साइज होता है। अच्छा, छोटा साइज होता है, उसका मार्केट में प्राइस भी कम मिलता है जी। फिर ये धीरे धीरे लमसम इनको लग जाता है। हाँ, लमसम इनको 20 हफ्ते बाद जो वैसे ही अंडा देना चालू कर देती हैं, 17 से 18 हफ्ते स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो 22 से 23 हफ्ता तक में जो आता है तब इनका फुल प्रोडक्शन आ जाता है। लेकिन शुरू में इनका अंडा छोटा होता है, लेकिन बाद में लमसम 23 हफ्ते के बाद फिर अंडा फुल आ जाता है। अच्छा, शुरू में जब 6 महीने के बाद सर अंडे का परसेंटेज और अभी के परसेंटेज में कोई अंतर है क्या? हाँ, परसेंटेज में ये मौसम के ऊपर भी होता है इनका, या कोई वायरस है इसके वजह से भी कम ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहता है ऐसा, और गर्मी में ठंडी में इसका भी असर पड़ जाता है, या बादल गरजने लगे उसके भी असर पड़ जाता है इसको। इनके अंडे का साइज जो आता है नॉर्मल अंडा, ये जो छोटा होता है, इसका अंडे का वजन होता है, जो इसका वजन होता है 1200 ग्राम जो आ जाता है इनका फुल साइज, वो अंडा माना जाता है। फुल साइज 1600 ग्राम का होता है, 1200 ये शुरू में 1200 साइज होता है, और फुल जो होता है 1600 ग्राम, तो इनका फुल साइज हो जाता है, तो मार्केट में इसका फुल रेट। सर, अभी हमने बर्ड्स को देखा, उनके जो चोंच हैं वो कटे हुए हैं, ऐसा क्यों करना पड़ता है सर? ये सब जो चिक्स आते हैं शुरू में, तो जो 9 दिन रहते हैं वहाँ, तो 9 दिन पे उनकी वो चोंच डिवीडिंग होती है जी, उनको इसलिए कटती है इनकी चोंच, इसलिए कि एक दूसरे को नोच ना सकें और फीड को सही से उठा सकें और अंडे को भी डैमेज ना कर सकें, ये होता है, इसलिए इनकी चोंच बिल्कुल 9 दिन डिवीडिंग होती है। उसके बाद इनको कई वैक्सीनें भी लगाई जाती हैं, 9 दिन हैं, उसके बाद दूसरे दिन हैं, ग्रह दिन है, ऐसे ऐसे कई वो होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है उसके साथ वो होता है, तो इस तरह से इनकी तैयारी की जाती है। सर, इसमें कौन सा फीडर है, कौन सा ड्रिंकर है, ये बता दें? ये सर जो ये ऊपर वाला दिख रहा है चैनल जी, उसको चैनल बोलते हैं जी, और ड्रिंकर भी बोलते हैं, तो इसमें ये पानी चल रहा है जी, यहाँ से टोटी चालू कर देते हैं, ये पानी यहाँ से चलता है, जो वेस्टेड पानी होता है वो बाहर चला जाता है, गिर जाता है। अच्छा। और ये जो देख रहे हैं आप जी, ये फीडर जी, ये इसमें फीड डालते हैं जी, तो ये जो इसको फीडर कहते हैं उसमें फीड डालते हैं जी, तो ये इसमें मुर्गियाँ फीड उठाती हैं, इसमें फीड खाती हैं। दोस्तों, ऊपर देख रहे हैं जो पतला वाला, ये ड्रिंकर है, और ये टोटी से जो है पानी इसमें ज़रूरत के हिसाब से चला दिया जाता है और वेस्ट पानी बाहर गिर जाता है। बीच में जो लगा है फीडर है, इसी तरह से यहाँ पर भी ड्रिंकर और फिर नीचे फीडर होता है। और इस केज में सर एक साइड में कितनी मुर्गी आ जाती है? 8 साइड। अच्छा, एक साइड में 4 बर्ड है जी, और उसके बाद में ये 70 का वो है, 70 पिंजड़ा है जी, और ये पूरी जो लाइन है 100 फुट की है, इसमें करीब 3 रो में 840 बर्ड। अच्छा, 840 बर्ड है, ये 100 फुट का है जी, और इसी तरह से उस साइड में होंगे सर? हाँ जी, ऐसे करके 36 जी करके ये करीब 10,000 का फ्लॉक है। सर, फीड के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो फीड हमने देखा है काफ़ी इसके दाने मोटे हैं, तो फीड आप लेते हैं बाहर से या खुद बनाते हैं? फीड ज़्यादातर यही बनाते हैं आप? अच्छा, आप फीड बनाते हैं जी। फीड के बारे में सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, किस तरह से फीड बनाते हैं और उसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें जो है डॉक्टर के अंडरटेकिंग में हम लोग काम करते हैं जी, और वो जैसा फार्मुलेशन देते हैं, इनको कितना एनर्जी चाहिए, कितना वो कैल्शियम चाहिए और कितना प्रोटीन चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग इसमें मक्का, सोया, मस्टर्ड, DRB,
और स्टोन ये सब ऐड करके और कुछ मेडिसिन है उसको ऐड करके पर डे इनको देते हैं। अच्छा, इस फीड में सर आप इधर आ जाएं थोड़ा सा जी, इस फीड में जो आप खुद बनाते हैं जी और जो मार्केट में फीड मिलता है, दोनों में अंतर क्या होता है? सर ऐसा रहता है कि दोनों में ज़्यादा कॉस्ट का तो अंतर नहीं है, लेकिन हम अपने बर्ड को क्या खिला रहे हैं ये हमारे सामने है जी, और मार्केट का जो फीड है वो क्या हमें दे रहे हैं वो हमें नहीं पता है जी, क्योंकि वो बड़े प्लांट का रहता है फीड और वो मैक्स वाला फीड रहता है, वो पूरा बॉयल करके रहता है, उसमें क्या उन्होंने दिया क्या नहीं दिया हमें नहीं पता चला। स्टार्टिंग में अच्छा लगा, बाद में जाके बर्ड हमारा प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, यही रहता है। तो इससे क्या होता है कि बर्ड्स को क्या चाहिए, किस चीज़ की मात्रा चाहिए, वो अपने खुद जो है मिला के उनको खिलाने से क्या होता है वो स्वस्थ रहती हैं। हाँ, वही और अदर फीड जी जी, अदर फीड जो आपके कहने के अनुसार जो अदर फीड होते हैं उसमें कभी अच्छा भी आ जाता है, कभी थोड़ा सा गड़बड़ भी फीड हो जाता है, तो उससे बर्ड्स में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। करीब 1 से 1.5 रुपये का कास्ट महंगा भी रहता है। अच्छा, ये उससे महंगा है? नहीं, वो महंगा। अच्छा, वो महंगा वाला भी महंगा रहता है, क्योंकि उनके बैग चार्ज और वो कंपनी के एम्प्लॉई वो सब खर्चा जुड़ जाता है। फीड किस तरह से बनाते हैं सर, मशीन द्वारा बनाते हैं? नहीं नहीं, मशीन प्लांट हमारा लगा हुआ है जी, और उसी से बनाते हैं। दोस्तों, फीड का प्लांट अभी दिखाएंगे किस तरह से जो है फीड बनता है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के बारे में ठीक से जानकारी ले लूँ। सर, 10,000 बर्ड्स का आपका जो फार्म है, इसमें कितने परसेंट जो है अंडे निकलते हैं, इनका परसेंटेज क्या है? ये हमारे में तो अभी निकल रहा है करीब 80-85% जी, लेकिन जब स्टार्टिंग में बर्ड 25-26-28 वीक की रहती है जी, तो इनका प्रोडक्शन 95-94 ऐसे चलता है। अच्छा, 95 हो जाता है। अभी ये सब 50 वीक की बर्ड हो गई है, तो प्रोडक्शन जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे ड्रॉप कर जाती है जी। तो 10,000 में 80% आप मान सकते हैं, लगभग 8,000 अंडे पर डे जो है जी निकल रहे हैं। सर, एक मुर्गी पर डे अंडे देती है क्या? नहीं, अब यही रहता कि जैसे 10,000 बर्ड है, 8,000 बर्ड प्रोडक्शन पे हैं, तो टाइमिंग के ऊपर रहता है जी, जी। एक बर्ड को 24 हावर्स में एक अंडा देना चाहिए जी, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा लेट कर जाते हैं, करीब 30 घंटे हो गए, 32 घंटे हो गए, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, वही हिसाब से प्रोडक्शन ड्रॉप रहता है। बाकी बर्ड तो सारे अंडा देती है। सर, वैक्सीनेशन के बारे में बता दें, इनको किस तरह से वैक्सीन देना पड़ता है? ये जब बर्ड ये चिक्स आते हैं छोटे, तो इनको थोड़ा सा चलते रहेंगे ताकि हम देखते भी रहेंगे जी। सेकंड डे उनको एक वैक्सीन लगती है जी, और उसके बाद में फिर 60 डे पे एक वैक्सीन लगती है जी, कि ऐसे ऐसे करके करीब 10-12-15 वैक्सीन इनकी है जी। अच्छा, 15 वैक्सीन लगना पड़ता है? हाँ, वो पूरा बुकलेट के हिसाब से जो कंपनी चिक्स लेंगे तो वो देंगे। अच्छा, पूरा बुकलेट देंगे कब कब आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। इनकी ये जो रहती है ऊपर की फेस रहती है, ये जब डेवलप हो जाती है तो फिर हम लोग को पता चल जाता है कि ये बर्ड अब अंडा देने वाली हो गई है। वैसे 16 वीक पे ये बर्ड अंडा देने लगती है, लेकिन वो धीरे 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 जाके मैच्योर पूरा 25 वीक में बर्ड सारी कंप्लीट अंडा देती है। अब जैसे ये बर्ड है, इनकी ये जो फेस नीचे, ये लोग बर्ड अंडा देते हैं, जिनकी फेस नहीं डेवलप हो पाती वो बर्ड अंडा नहीं देती। अच्छा सर, जो ब्रॉयलर चिक्स होते हैं और जो अंडे देने वाले चिक्स होते हैं, इनमें दोनों में प्राइस में क्या डिफरेंट होता है, कितना प्राइस होता है इनका? जो ब्रॉयलर वाला रहता है जी, और अब इसकी कॉस्ट तो इस वक्त एक चिक्स की 46 रुपये आ रही है। अच्छा, 46 की एक चिक्स? हाँ, इसकी जो कंपनी दे रही है। और ब्रॉयलर की क्या है, मार्केट के हिसाब से उसमें बहुत छोटे छोटे लोग अपना डाल लिए हैं हैचरी, वो अपना अपने हिसाब से दे रहे हैं, तो ब्रॉयलर की कभी हो जाती है वो 35-30 और उसके बाद में कभी कभी 45 हो जाती है। ऐसे अभी इससे पहले हमने फार्मर से बात किया था सर, तो इसमें बता रहे थे करीब 28 रुपये और 22 रुपये में चल रहा है, बरसात की वजह से कम हो जाता है। हाँ, जैसे जैसे जितना डिमांड आती है उस हिसाब से रेट बढ़ जाता है, लेकिन अभी जो फीड का रेट है थोड़ा सा हाई है। और क्योंकि ऐसा है कि फीड का रेट इस लिए हाई है क्योंकि ऑयल जो है वो सब महंगा है, और ज़्यादातर ऑयल की जैसे जो सोयाबीन रहता है उसकी जो खली रहती है उसी को हम लोग इसमें मिलाते हैं, प्रोटीन उसमें 45% होता है, तो वो सब कॉस्ट महंगा हो गया जो मैन है, तो इसीलिए
जाके फीड का रेट हाई हो गया, करीब 2 से 3 रुपए बढ़ गया। सर एक बार फिर से पूछ लेते हैं, जैसे 6 महीने में जब कोई चिक्स को रखता है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो 6 महीने बाद आप किस तरह से मान के चलें कि ठीक से मुनाफा होने लगता है? ऐसा है कि प्रोडक्शन रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका 90% है और 800 रुपये में 210 अंडे बिक रहे हैं तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। अच्छा, अगर यही प्रोडक्शन आपका डाउन हो गया है, क्योंकि फार्म पे जो खर्चा रहता है, एक बर्ड 110 ग्राम दाना उठा रही है और 10,000 बर्ड है तो करीब 1100 किलो दाना लग रहा है। अच्छा, पर डे? सर पर डे जी। तो अब 1100 किलो दाना का करीब 20,000 रुपये कॉस्ट हो गया, उसके बाद लेबर का चार्ज, लाइट का, ये सब मिला के 22 से 23,000 रुपये पर डे का जो है ये चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। और अगर अंडा आपके पास निकल रहा है, मान के चलिए इस वक्त 1100 रुपये में अंडा है जी, और 30 पेटी आपको अगर अंडा निकल रहा है तो 22,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, 8,000 रुपये आप पर डे प्रॉफिट में हैं। अगर ये 40 प्रोडक्शन ज़्यादा रहा, मान लीजिए 10,000 बर्ड में 90% प्रोडक्शन था तो 40 पेटी अंडा है, तब आप 15 से 16,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर मार्केट का रेट डाउन है और खर्चा आपका वही है तो आप लॉस में भी जाने लगते हैं। अगर मार्केट का रेट डाउन है और खर्चा वही रहेगा सर, खर्चा वही रहेगा, फीड उतना ही खाएंगे, फीड उतना ही खाएंगे बर्ड जी, तो उसमें आपका लॉस है। सर कितने दिन में, 3 साल हो गया, कभी ऐसा हुआ सर कि आपका कोई नुकसान हुआ हो इस तरह से लेयर प्रोटीन? ऐसा है, पहले लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि मार्केट में ब्रोकर बैठे हैं, रेट जो था वो उठने नहीं दिया, वो 700, 800, 650, 400, 300 रुपए तक अंडा बिका और खर्चा हमारा वही था, तो करीब काफ़ी लॉस हो गए, बहुत फार्मर बंद भी हो गए। लेकिन अभी क्या है, अभी रेट ठीक है, फार्म कम हो गया है प्रोडक्शन, तो इस वजह से रेट जब ठीक है तो कॉस्ट आ रही है, हम लोग का भी काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा सर, इनमें गर्मियों में या ठंडी में कोई अंतर होता है क्या? हाँ जी, काफ़ी अंतर होता है। अब गर्मी में बर्ड को बहुत देख रेख करना पड़ता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन लगा है इसको चालू, फोगर जो लगा है ऊपर स्प्रिंकलर चलाना पड़ता है, बर्ड हीट ना हो ये सब देखना पड़ता है। और ठंडियों में सर बाहर से? में सब बाहर से पूरा पैकिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है प्लास्टिक की फल्ली से। हाँ, यही सब गर्मी में ज़्यादा दिक्कत रहती है। सर ज़मीन से इस फार्म की ऊंचाई क्या है? ज़मीन से इस फार्म की ऊंचाई करीब 12 फुट है। 12 फुट है, और टोटल फार्म की ऊंचाई क्या है सर? अब यहाँ से जो वो है ये 16 फीट की ऊंचाई है। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर से? हाँ, फर्स्ट फ्लोर से, और जो है 16 फीट की है, और फिर 12 फीट नीचे। 12 फीट नीचे फार्म तो आप बना सकते हैं, अभी 6 फुट 5 फुट 6 फुट पे भी बनता है, नीचे हाइट कम कर देंगे, लेकिन उससे क्या होता है गर्मी में दिक्कत होती है, जब ये फीड की जो रहती है अमोनिया जब निकलती है ऊपर से बर्ड को फिर प्रोडक्शन। दोस्तों जब भी लेयर पोल्ट्री फार्म बनाए तो ज़मीन से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई रखें, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है या जो भी चीज़ें होती हैं वो नीचे से जब ऊपर को उठती हैं तो उससे क्या होता है कि बर्ड्स में काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए फार्म को हमेशा ऊंचे बनाएं। 4 फीट 5 फीट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो जितने भी आप लेयर पोल्ट्री फार्म देखते हो लगभग 12 फीट 14 फीट 10 फीट के करीब ऊँचाई उनकी होती है। सर इस तरह से जो है लेयर पोल्ट्री फार्म में और बर्ड्स में और जो इसमें अंदर लगता है जो केज होते हैं फीड में, इसमें कितना खर्चा आता है, इसको ठीक से आप बता दें। इसमें क्या रहता है कि बिल्डिंग बनाने में और ये स्ट्रक्चर बनाने में करीब 10,000 का आपका इस टाइम पे 40 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि वो सीमेंट भी महंगी है जो वो है, और उसके बाद लोहे का दाम भी महंगा हो गया है, और 40 लाख का वो हो गया खर्चा, और एक बर्ड 102 रुपए का केज का आता है तो 10,000 का करीब 10 से 11 लाख रुपए का ये हो गया आपका केज हो गया, केज हो गया जिसमें बर्ड रहेंगी, और उसके बाद में ये करीब 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए में 10,000 बर्ड तैयार होगी अगर आप एक बार में डालते हैं। अच्छा, अंडा देने तक? अंडा देने तक पूरे 6 महीने में कॉस्ट आ जाता है, 250 रुपये पर बर्ड आ जाता है, 46 रुपये की आपकी चिक्स हो गई, उसके बाद वैक्सीनेशन और जो वो फीड खाती हैं, करीब एक बर्ड 300 ग्राम दाना खाती है, उसकी कॉस्ट जो आ गई लेबर कॉस्ट हो गई,
तो ये सब लेके जाके करिए 240 रुपये 50 रुपये जैसे फीट की मार्केट रहे वही हिसाब से ये जाके तैयारी आपकी आ जाएगी। अच्छा सर, जो ये बर्ड्स होते हैं और बॉयलर बर्ड्स होते हैं, क्या ये कम फीट काते हैं क्या? नहीं, इनकी क्या रहता है कि इनको हम लोग जैसे वो कंपनी जैसा बताती है कि इतने इतने दिन पे आपको देना है इतना फीड, इनका एक हाईएस्ट 110 ग्राम हो गया, अगर ठंडी के मौसम में 120 ग्राम तक दाना हम लोग देते हैं। उसके बाद ज़्यादा दाना देंगे तो फिर इनमें क्या होता है कि अंडे नहीं बनेंगे, इनमें वो ये बर्ड मोटी हो जाएंगे और इनमें चर्बी बनने लगेगी तो अंडे फिर नहीं बनेंगे। तो वही हिसाब से मैनेज करके वही उतना फीड इनको जितना प्रोटीन है उसकी ज़रूरत है अंडे के लिए उतना ही इनको दिया जाता है। सर, इस क्षेत्र में कितने पोल्ट्री फार्म हैं? क्योंकि मैं जगह जगह पर देख रहा था लेयर पोल्ट्री फार्म इस साइड में बहुत ज़्यादा हैं। सर, आपके गांव में कितने फार्म हैं? करीब हमारे गांव में इस वक्त फार्मिंग हो रही है 1.5 लाख की हो रही है। 1.5 लाख की? हाँ। जिसमें 10,000 का आपका है? हाँ, 10,000 का हमारा है, किसी का 40,000 है, किसी का 60,000 का है फार्म, किसी का 30,000 का है, ऐसे ऐसे 7-8 लोग का फार्म चल रहा है। सर जी, ये है यहाँ जो मुर्गी अंडे देती हैं, ये अंदर से यहाँ से ये होकर यहाँ आके रुक जाता है। इसी तरह इसे भी केज है, यहाँ अंडा देती हैं और ये होकर आके यहाँ रुक जाता है। इसी तरह नीचे भी तो तीन जो लाइन है इसी तरह उधर दिए थे, ये अंडे यहीं रुके थे, यहीं से उठा के इसको उधर दिया। सर, इस फार्म की लंबाई कितनी है? इस फार्म की लंबाई करीब 230 फीट है। 230 फीट हाँ। और चौड़ाई? चौड़ाई 35 है। 35 जी। ये सब जो अंडे रख रहे हैं जी, ये इनके एक चिरे है, ये एक चिरे में 30 अंडा आता है। अच्छा, एक में 30 अंडे? हाँ। और इसमें 7 चिरे लगाकर इसको एक पेटी बनाया जाता है और एक पेटी में 210 अंडे होते हैं। अच्छा, एक पेटी में 210 अंडे जी। अच्छा, इसमें सर एक अंडे का साइज बहुत छोटा है, यहाँ पर देखेंगे। हाँ, ये कुछ अंडे हो जाते हैं इसे जी। हाँ, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और ये लेयर फार्म आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें देते रहिएगा और जब मैं नए फार्मर से मिलता हूँ तो मैं उनसे आपके सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करता हूँ और ऐसे ही आपको नए नए लोगों से मिलवाता रहता हूँ, नई नई जगह दिखाता रहता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।